आम आदमी पार्टी के कैंपेन गीत पर चुनाव आयोग के ऑब्जेक्शन के बाद एक नया विवाद शुरू हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन बातों पर चुनाव आयोग की आपत्ति है? तो चलिए आपको बताते हैं। दिल्ली के चुनाव अधिकारी कार्यालय की तरफ से आम आदमी पार्टी के प्रचार गीत को लेकर कुल 8 आपत्तियां जताई गई है। आयोग ने केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए प्रचार गीत में बदलाव करके दोबारा पेश करने को कहा है। बदलाव के बाद ही आयोग उसे जांच परख करेगा और तभी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कैंपेन गीत में चुनाव आयोग को सबसे ज्यादा आपत्तिजनक लगा है घुसाई भीड़ के हाथ में सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल की तस्वीर। आयोग का कहना है कि ऐसे फिल्मांकन से न्यायपालिका की छवि खराब होती है। आयोग को इस बात पर भी आपत्ति है कि एक लाइन जेल के जवाब में वोट बार बार दोहराई गई है, जिससे नियम और दिशा निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है। प्रचार गीत के एक सीन में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प दिखाते हुए कहा जाता है, तानाशाही पार्टी को हम चोट देंगे। आयोग की नजर में साफ तौर पर हिंसा भड़काने वाला है। एक सीन में पुलिस मनीष सिसोदिया को ले जा रही है और वहां कहा जा रहा है गुंडागर्दी के खिलाफ वोट देंगे। आयोग ने इसे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाला माना है। आवाजें खिलाफ थी जो सबको जेल में डाल दिया, उनको ही बाहर रखा जिसने इनको मान लिया, और इतना लालच, इतना नफरत, भ्रष्टाचारी से मोहब्बत जैसी पंक्तियों को आयोग ने असत्यापित तथ्य बताते हुए माना है कि ये सब सत्ताधारी पार्टी की आलोचना है और न्यायपालिका पर भी सवाल उठाता है। राजनीतिक दलों के नेताओं की तस्वीरों के साथ उनके चुनाव निशान दिखाते हुए कहा गया है, गुंडों वाली पार्टी छोड़ो, जिसे आयोग ने राजनीतिक दल और उनके नेता को लेकर अपमानजनक टिप्पणी माना है। वीडियो में तानाशाही पार्टी को हम चोट देंगे गाते हुए भीड़ को पुलिस के साथ भिड़ते दिखाया गया है। आयोग की नजर में ये सत्ताधारी दल की आलोचना दिखाता है जो आपत्तिजनक है। आखिर के 10 सेकंड में जेल का जवाब हम वोट से देंगे वीडियो में तो है, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट से गायब है। आयोग की तरफ से प्रचार गीत के एक और लाइन को भी नियमों का उल्लंघन माना है, जिसमें कहा जाता है गुंडा गार्ड के खिलाफ वोट देंगे। वहीं आयोग के बहाने आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आतिशी ने कहा कि प्रचार गीत में तथ्यात्मक वीडियो और घटनाएं शामिल हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की तस्वीर हो या फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार का वीडियो हो। आप नेता का कहना है तो अब चुनाव आयोग भी सहमत है कि बीजेपी सरकार तानाशाह है। चुनाव आयोग की आपत्तियों पर आप नेता आतिशी का कहना है कि गाने में कहीं भी बीजेपी का जिक्र नहीं है और ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, लेकिन एक सीन में एक व्यक्ति के गले में बीजेपी के चुनाव निशान वाला दुपट्टा साफ नजर आता है।